और प्रधान जी का आदेश था कि एक एक भजन सुना कर फिर रंग काट। एक रागनी हमारी बात कि जिस समय उस सरदार चाप सिंह के साथ सोमवती का गौना होकर सोमवती को लेकर अपने घर आ जाते हैं और जब न्यू कहने लग गया कि एक बात करण से गोरी मेरे धड़ में कौन करेगा लाड सासू नणंद नहीं जड़ में, तो न्यू कहने लग गई हो मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं पतिव्रता नार सजन जानू सू धर्म के सामने। न्यू बलियारा ये पतिव्रता है बहुत देखी है मैंने। वो चाप सिंह उस सोमवती को संबोधित करता है, दादा ने दर्शा है यहाँ पुन के भाव को और सही गृहस्थी में काम आने वाली बातें दादा लक्ष्मीचंद की हैं, उन्हीं में से एक भजन एक राग नहीं समझो कैसे क्या क्या दर्शाए क्या कहा भला। टंटे झगड़े करा बतेरी घर कुण बे गे श्यामी, खोटी वीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी। पहले नंबर बता धन्य बताई आज आमते वो उमाल्य हो जाए पर घर मद अंत जिसके भाग का सब सगा है, अरे माँ बाबुआ ने भी शर्मामते न करना पड़ा काम, एक एक बोल सुनने का क्या। और घर में धन, घर में धन, घर में धन सासू के नमस्कार, घर में धन सासू के नमस्कार। और रूप दिया ब्रह्मा ने मात पिता ने घर पर टो दिया मरे लिहाज शर्मा ने, साजन की न सेवा करती जब भूलने धर्मान, तेरे काम के बस हो खसम न खा ले रोए जा करमान, काम के बस खसम न खा ले रोए जा करमान। हल 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 आदनी रोशन लाल जी शक्ति प्रॉपर्टी से हैं, 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार, धन्यवाद है धन्यवाद। हेलो हेलो देखिए हल हल जज्जर में एक हलवाई है जी दुल्ली,
दुल्ली हलवाई है, उसकी बर्फी प्रसिद्ध है। वो तो किस शहर मजाले हलवाई निरे हैं कितने भी जाले, एक का मटेरियल पड़े है वो ये दूध मीठा खोआ वो ये सब न वो ही मिलाना है। अर रंग भी सफेद सब की बर्फियां का, पर जाड़ तला देते बूढ़ा न्यू का देगा दुल्ली को न्या, जाड़ तला देते न्यू का देगा दुल्ली को न्या, क्यों भीतर जाए पर टेस्ट आओ से। कविता तो कह के डबे सब ने लिख रखी है, पर बूढ़ा सुनते न्यू कह दिया बामण की को न्या, क्यों टेस्ट का फर्क से कह के कट दो वे है। कविता का हर कवि का टेस्ट है अलग अलग है। इतना सरल जीवन दिखाया दादा ने के जब धर्म छोड़ दिया चारों तरफ से बुरी खबरें आई तो शेठानी न्यू कहे ये 6 वर्ष का लड़का चंद्रगुप्त है, इसने तू मनसा सेठ के दिया और बदले में 200 रुपये लिया और अपना काम चलाऊंगे, फिर कदे परमात्मा सुनेगा फिर छुटा जाऊंगा। इसमें भी उद्देश्य था कि टोटा इतना आ गया था कुछ भी खाने के दाने भी नहीं बचे थे, सेठ 52 बुद्धि बनिया न्यू विचार कर गया थारी गैल तो धक्के खाता फिरेगा ठोकर खाता फिरेगा, शेठानी न्यू समझावे मनसा सेठ आपका पगड़ी बदल यार, उड़ा बाणिया करेगा बाणिया की शिक्षा सीखेगा, व्यापार सीखेगा, काम धंधे सीखेगा, कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा और बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे तरीके से होगा। बहुत समझाया पर बहुत समझाया सेठ जी ने पर मानी नहीं, मनसा सेठ के 200 रुपया गिरवी धर के वापिस चलिया। तो कहते हैं रस्ते में आनंदी नदी थी नहाने के लिए, जब गया परमात्मा जब परीक्षा लेता है सब तरह ले लेता, जब नहाकर उल्टा लकड़िया ना भोजन पाया ना वो 200 रुपया की न्योली पाई, 200 रुपये खान का भोजन दरिया घाट पर लिया के आनंदी तने लूट लिया, मैं के सुख पाया ना मैं के जवाब दूंगा शेठानी ने, मेरे गल में गलिया दुख व्यक्ता का फंदा, गल घुट भी गया तो गजब है गजब, पुत्र भी गया हुरमत भी गई घर लुट भी गया तो गजब है गजब। उल्टा गया सेठानी ने पूछा सेठ जी लड़के चंद्रगुप्त को आप मनसा सेठ के पास छोड़े है क्या छोड़े है आप बदले में, निभला सेठानी आख्या में पानी आ गया के बताऊं, ना भोजन रहा ना पैसे रहे, बात यह है कि दोनों आत्महत्या करने की सोच लेते हैं, जंगल की तरफ चले एक महात्मा मिलते हैं, निबला भाई के करोगे फूट करो पड़े, निबला कोई सहारा नहीं बचा, निबला रे ये कायर लोग करते हैं ऐसा काम, यो काम नहीं करना चाहिए निबला, और के करें निबला दिन फिर जाएंगे समय फिर जाएगा, कति सीधा फार्मूला दे रखा है ये काम करो तुमसे। बड़े श्याणे न्यू कहे हैं सनमान साहब
500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। मान साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। विषम भाई हमारे छोटे भाई हैं, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। न्यूका से बोला 3 जन्म का तो बेरा है उस मानस ने। रोशन लाल जी शक्ति प्रॉपर्टी से 200 रुपए और देते हैं, बार बार धन्यवाद है। ये जाटी गांव से हैं नंबरदार साहब। अब अभी भाई ने बोला जब मैं पहले मेरे को नाम का 500 रुपए पहले 100 रुपए और देते। वीरेंद्र खत्री साहब 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। न्यू कहा 3 जन्म का तो बोला सब नए बेरा है, वो क्यों कर बेरा है, पाछा जिसे करे थे उसाई भोगण लाग रहे था, ईब जिसे करांगे इस तगली फिल्म बने से ईब मके रोड़ से कुछ भी ना थे। और 3 जन्म के पाप कटेंगे, इब न्यू बताओ पाप कौन से हो है जो अण भोले में हो, वे पाप है जानबूझ कर दिया वो तो अपराध है, वो पाप में नहीं है जो जानबूझ के करिया था वो तो अपराध है, पाप तो वो है जो अनबोले में हो गया। न्यू कहते 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। महाराज जी क्या करें, न्यू बोले पहले तो अपनी मर्यादा ही निश्चित करो, पहले तो प्रेम बनाओ मियां बीबी आपस में, गृहस्थ का प्रेम बनाओ, एक दूसरे से बात करो, जो संकट आया है उसके आप दृष्टा बनो, कर्ता मत बनो, दृष्टा बनो, उसमें देखो किस कारण से आया और फिर उसकी उसका उपाय करो। देखे न्यू कह ऋषि महात्मा भी कहते हैं के बोले दुख की धर्म दवाई थी और क्यों में भी दवाई ना है, दुख की केवल धर्म दवाई है और कुछ भी नहीं। अरे तुम न्यू रहा करो, के करे पहले तो मर्यादा ही निश्चित करो, न्यू रहो के कैसे पहले नंबर में, और आजीवन आदमी का जीवन भर कदम कदम पर काम आने की बात नहीं, सब नहीं जीना चाहिए। ताराचंद सेठ की कथा के माध्यम से, साधु के माध्यम से कितना प्यारा संदेश दुनिया को दिया। अरे न्यू राह करो क्यों करे, मिलजुल कने आपस के मां, मिलजुल कने धर्म कर्म मर्याद करो, सागर के सी जाल रोक के ईश्वर से फरियाद करो, गौ ब्राह्मण साधु सेवा में नाकद वाद विवाद करो, धर्म रूप भगवान की सेवा हिचित से मदद करो, भगवान की सेवा हिचित से मदद करो, अरे हाथ जोड़ के ये भाई कुलदीप जगदीशपुर और कुलदीप छतेरा दोनों पार्टियों का 200-200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाइयों का बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर दो पे क्या तक श्यावतरी ने धर्म के कारण पति जवालिया मरता, सीता पत्नी श्री रामचंद्र की जनक पिता ना धरता, कुटुंब के रंज में पांडव का कुटुंबा
अपना मैं फिरता।